press the bell icon so you never miss any video from The Idiots. आज आते वक्त ना वापसी पर 2 किलो आग के पकोड़े ले आइएगा। 2 किलो? यार 2 किलो बहुत महंगे हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, 1/2 किलो ले आऊंगा। आपने उस दिन भी यही किया था। अच्छा ना, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम एक काम करो, मेरा वो शैतानी आईडी कार्ड ले आओ। आप तो रोज ही लेट होते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ना वो फ्रॉक चाहिए जिसमें चिंगारियाँ निकलती है। अरे नहीं भाई, वो ब्रांडेड है, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है मेरी। आपके पास तो कभी कुछ नहीं होता, पता नहीं ऑफिस में क्या करते हैं वो बराबर वालों की बेगम। अच्छा, बस बस, ज्यादा दिमाग ठंडा नहीं करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा आते वक्त मुन्नी के आग के डायपर्स ले आइएगा, खत्म हो गए। हाँ भाई ले आऊंगा, डायपर ले आइएगा। क्या टाइम हो रहा है सर? 9:34। आज फिर लेट आयो, वो भी पूरे 34 सेकंड। शैतान कभी भी लेट नहीं होता, तुमने तो रोज का ड्रामा लगा लिया है, क्या बहाना है आज का? सर असल में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। नहीं सर, वो मेरा टायर पंचर हो गया था। भाई कोई नया बहाना लेके आओ, ये स्टार मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। खैर छोड़ो ये सब, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, फॉलो मी। मे आई कम इन सर? अरे तुम आओ, बैठो बैठो, आराम से, शाबाश। आग का शरबत वगैरह मंगवा दूं तुम्हें? अरे नहीं नहीं सर। और कुछ खाना पीना? छिपकली की कढ़ाई, कॉकरोच फ्राई, कुछ भी? सर अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करें, आग का शरबत मंगवा लीजिए। अच्छा शरबत, सही सही सही। बगैरत, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम में? मतलब तुमने तो सीरियस ही ले लिया, खाना पीना तनख्वाह सब तुम्हारे लिए करें, मतलब पाल लेते ना तुम्हें, तुम घर में बैठ के आराम से चिल मारो। हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पाल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम लेते हो, देते कुछ नहीं हो। जी सर। कंपनी को आज तक दिया क्या है? लो परफॉर्मेंस है तुम्हारी, 10,000 गुनाहों का मंथली टारगेट है, वो तक तो तुमसे पूरा नहीं होता। सीखो सीखो इससे कुछ, तुम्हारे बाद में आया था और 50,000 गुनाह तो यूं 1 हफ्ते में निकाल देता है ये। थैंक यू बॉस, और बॉस ये रोज ऑफिस लेट भी आता है। देखो बात सुनो, अगर तुम इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय नहीं होते ना, तो कब का किक मार के आउट कर देता तुम्हें। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। सर आइंदा तो ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ 1 मंथ का टारगेट दे रहा हूँ तुम्हें, अगर इस मंथ का टारगेट तुमने अचीव कर लिया तो ठीक, वरना दूसरी जॉब ढूंढो। टैलेंटेड शैतानों की कमी नहीं है मार्केट में, भरी पड़ी है मार्केट गुनाह करवाने के लिए। सर मैं टारगेट पूरा करूंगा इस दफा। दफा हो जाए यहाँ से, काम कर जाके। आउट, काम कर। दिमाग खराब कर दिया। ये ले बॉस, चील का खून, आपका दिमाग ठंडा हो गया, इससे वापस गर्म हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स व्हाई आई लव यू। थैंक यू सर, आई लव यू टू। आज दोबारा जलील होकर आ गए? हाँ यार, घर में बेगम या बॉस हर वक्त दिमाग खराब करते रहते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ जॉब ही छोड़ दूँ। क्या बोल रहा था तू? जॉब ही छोड़ दूँ? अबे तेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, हालात देख अपने, जॉब छोड़ेगा तू? अबे यार ऐसे जलील होने से अच्छा है बंदा भूखा मर जाए। बातें नहीं करो, काम करो अपना, अभी अंदर इतना जलील होके आयो फिर भी सुकून नहीं आया, काम करो, काम काम कर ले यार, काम। अच्छा यार एक बात सुन। हाँ पूछ। बल्कि काम की बात है यार, तुझे क्या पता, तू क्या बताएगा, मैनेजर से पूछता हूँ। अबे मुझे पता है सब यार। अबे जा भाई। सर एक असाइनमेंट में फंसा। सर 2 दिन से लड़का लड़की को वीडियो कॉल के लिए कह रहा है लेकिन वो मान नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है कि लड़के से ऐसा क्या बुलवाऊं कि वो लड़की कॉल के लिए मान जाए। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है जान? Don't you love me, baby? ये बुलवा लो लड़के से, 2 मिनट के अंदर इमोशनल ब्लैकमेल होकर वीडियो कॉल कर लेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, यू आर जीनियस सर, मेरे अब 20,000 गुना का टारगेट पूरा हो जाएगा। सर हमसे 20,000 गुना इतनी मुश्किल से होते हैं, आप 50,000 गुना वीकली कैसे कर लेते हैं?
के पकौड़े लाए मेरे लिए? नहीं, भूल गया। क्या तुम हमेशा भूल जाते हो? तुम हमेशा यही करते हो मेरे साथ। अच्छा बस ज्यादा चिक चिक नहीं करो, मुझे बहुत काम करने, टारगेट पूरा करना है मुझे, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। और इस महीने पूरे 2.5 लाख गुना करवा कर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। और एक बार फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड लिखे गए हैं। थैंक यू मेरी जान, बिरयानी खाएगा कि नान? तुमने इस कंपनी और शैतान कम्युनिटी का नाम को आग लगा दी है, आग। वेल डन सर, थैंक यू सो मच। अरे आओ आओ, आज भी लेट। खैर क्या हुआ, वो मंथली टारगेट पूरा हुआ के? सर मेरा 10,000 गुना करवाने का टारगेट था, लेकिन मैंने 12,000 गुना करवा दिए हैं। इधर आ भाई, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये इसने ना हमें आज ज्वाइन किया है और 1 घंटे में 5,000 गुना करवा चुका है, और तुमने पूरे 1 हफ्ते में सिर्फ 12,000 गुना करवाए। थू, खुद तो कुछ करते नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। क्या सोचा तूने, मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं नहीं सर, वो बेटा तू भूल गया कि मैं दिमाग भी पढ़ सकता हूँ। चल अब। देखना अब वो नंबर उठाएगी। तो बॉस उसमें क्या है, ये तो मेरा छोटा शैतान भी उठवा सकता है। अब देखना ये नंबर उठाएगी, फिर इनकी बातचीत शुरू होगी, फिर ये गाड़ी में अकेले घूमने जाएंगे, फिर लड़का इसको घेरेगा, फिर ये लड़के के साथ घर से भाग जाएगी, इस सब में से बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो भी मर जाएगा, फिर 2 महीने बाद लड़की को भी तलाक हो जाएगी, फिर बाप और बेटी का सुन के माँ भी मर जाएगी, इस गम से इकलौता बेटा चरसी बन जाएगा, फिर नशे के पैसे खत्म होंगे तो वो नशा बेचना शुरू कर देगा और 10 और लड़के बिगड़ जाएंगे। और इस तरह पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। चल देखा। बच्चे हम बड़े लेवल का गेम करते हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है, चेन रिएक्शन। केमिस्ट्री पढ़ी है तूने कभी? शैतान के नाम पर धब्बे। 2 दिन का टाइम है तेरे पास, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते तो ठीक, वरना बाय बाय, चलो शाबा कटो। सुने मुन्नी के आग के डायपर्स खत्म हो गए, ला दें जल्दी से। ए यार तू मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, लगता है लोगों ने ना गुनाह ही करना छोड़ दिए। अरे यार टारगेट का क्या मसला है, वैसे ही 2 दिन बाद रमजान आ रहे हैं, इसमें गुनाह भी डबल हो जाएंगे और आपके टारगेट भी आराम से पूरा हो जाएगा। अरे हाँ रमजान, थैंक यू मेरी बिलबिदौड़ी, रात में तुम्हारी चिंगारी वाली फ्रॉक और बिच्छू का डिनर पक्का है। बिच्छू और फ्रॉक? क्या कर रहे हो, बेमानी करो बेमानी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रमजान आने वाले, रेट तो बढ़ा, ऐसे नहीं बिकेगा तेरे मार्क से। ये तुम्हारी शर्म हो या, कितने बड़े हो गए तुम। अबे क्या चुपचाप बाप से जलील हो रहा है, थप्पड़ मार और मुंह बंद कर। Who run it? You don't know what you're acting like you're down now. You don't know what you're acting like you're down now. I'll tell you what. Bhai wah! फैसल ने 2 दिन में 3 लाख गुना करवा कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और ऐसी सेटिंग बना लिया है कि रमजान में लोग गुना करते रहेंगे। ये है सच्चा इबलीस का बच्चा। और गाइस ये हमारा क्वार्टर बहुत जबरदस्त किया है, अब मुलाकात होगी 1 महीने बाद क्योंकि कल से रमजान है। हाँ फाइनेंस जी बॉस, बोनस ही बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की सैलरीज और बोनस आज रात अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बॉस आप छुट्टियों पे किधर जा रहे हैं? मैं थाईलैंड 1 महीना फुल अयाशी मारूंगा, फुल चिलिंग, मिलता हूँ तुमसे चांद रात को, तब तक अच्छा चलता हूँ, गुनाहों में याद रखना। So guys, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।
और शैतान की बातों में आके इस बार गुनाह नहीं करना है रमजान में। क्या बोला बॉस? यार तुम बंद होने जाओ। हाँ यार जाओ यार बंद होने जाओ, चांद रात में मिलेंगे। चलो 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 जाओ जाओ जाओ।